नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जब हम प्लास्टर करते हैं तो दरार आ जाती है, तो दरार ना आए उसके लिए हमको क्या करना है। स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं एक जाली है जिसका नाम है फाइबर जाली। तो ये फाइबर जाली आपको इस्तेमाल करनी है कुछ इस तरीके से जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। होता क्या है, जो हमारा RCC का स्ट्रक्चर होता है, जो कॉलम है, बीम है, उसके साथ जब हम दीवार जोड़ते हैं तो जहाँ पर भी दीवार और कॉलम आपस में जुड़ते हैं उनके बीच में गैप रह जाता है। तो आप देख रहे हैं गैप में ये जाली लगी हुई है, आधी कॉलम के ऊपर है, आधी दीवार के ऊपर है। तो ये बीच का जो हिस्सा है जहाँ दीवार और कॉलम आपस में मिल रहे हैं, जो सेंटर है, ये यहीं से दरार आनी शुरू हो जाती है। इसको अगर मैं देशी भाषा में बोलूँ तो उसको बोलते हैं कि सांस ले गया, तो सांस ले जाता है, दरार आ जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, लाइन सी खींच देते हैं, लेकिन लाइन नहीं खींचनी है, आप जाली लगाइए। इसको फाइबर की जाली बोलते हैं, जो कि आपकी अभी वीडियो में आप देख रहे हैं एक मुर्गा जाली आती है। ये फाइबर जाली लगानी बहुत आसान है, आप सीमेंट की चटनी सी बनाइए, टाइट सा मसाला बनाइए और उससे इसको चिपका दीजिए, तो ये रुक जाती है। जो मुर्गा जाली आती है थोड़ी हार्ड होती है, उसको कील से आपको रोकना पड़ता है और बार बार गिर जाती है, छूट जाती है, उससे प्रॉब्लम आती है। तो ये वाली जाली आप लगाइए, फाइबर जाली। मार्केट में आपको 1000 से 1200 रुपये का एक पूरा रोल मिलता है, और जहाँ भी RCC का स्ट्रक्चर है, आपकी दीवार जॉइंट हो रही है, वहाँ पर आप लगा करके बेफिक्र हो जाइए, वहाँ पर दरार नहीं आने वाली। इसको लगाने से आपके प्लास्टर में दरार नहीं आएगी। ये आप लगाइए और अपने प्लास्टर की अच्छे से कम 10 दिन तक तराई ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मुझे बताइएगा किस और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।